much of beauty, so much of confidence in our 14 beautiful contestants. Can we have a huge round of applause for them? Can we now play the exit music, please? नमस्कार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं कांदीवली के रघुलीला मॉल में, जहां मिस एंड मिसेस एल्यूर इंडिया पेजेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये ऑर्गेनाइज किया गया है एल्यूर स्पा एंड सैलून की तरफ से, जिसका आज तीसरा साल है। तो चलिए आइए मिलते हैं डायरेक्टर ऑफ मिस्टर एंड मिस एल्यूर जतिन जी से। तो जतिन जी बताइए कि ये जो पेजेंट है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, ये पेजेंट लास्ट 4 ईयर से हो रहा है, ये चौथा साल है, 4th सीजन है पेजेंट का। ये शुरुआत स्टार्ट टायर 2 सिटीज़ में उसका हुआ था, लेकिन आज ये पेजेंट इतना बड़ा बन चुका है, ऑल इंडिया से पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं, जिसके जरिए वो मॉडलिंग इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री या फिर फिल्म लाइन में जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये जर्नी है, काफ़ी हमको बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी जगह जगह से टैलेंट आता है और सामने आता है और इंडस्ट्री में अच्छी तरह करियर भी करती है। नम्रता प्रधान से, जो यहाँ पर चीफ गेस्ट एज अ जज है और जो स्टार प्रभा चैनल पे छतरी वाले सीरियल में, जो मराठी सीरियल है, उसमें लीड एक्ट्रेस हैं। तो नम्रता जी, आप बताइए कि ये मिस एंड मिसेस एल्यूर जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इस बारे में आप क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली मैं पिछले शो में भी थी एंड इट्स अ वेरी नाइस शो। हर लड़की और लड़के को एक चांस मिलना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए जो ये लोग देते हैं। एंड बेसिकली हर एक का सपना रहता है, तो जैसे मॉडल बनने का भी किसी का सपना रहता है, तो यहाँ आगे सब लोग अपनी परफॉर्म देते और उसके बाद अपनी परफॉर्म देने के बाद ये लोग जज, हम लोग फिर डिसाइड करते कि कौन जीतेगा कौन नहीं, बट डिपेंड ऑन आवर नसीब पे रहता है सब कुछ। बट आइए चलिए मिलते हैं निहारिका से, जो बहुत बड़ी यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब पर सबको एंटरटेन करती हैं और आज यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट एंड जज आई हैं। तो चलिए मिलते हैं निहारिका से। द अपकमिंग कॉन्टेस्टेंट्स वो गोना कम हियर, मुझे पता नहीं कौन कौन आने वाला है, बट इट विल डेफिनेटली एड अ लॉट ऑफ यू नो मटेरियल टू एड टू देयर रेज्यूमे, जो भी उनको आगे परस्यू करना है अपने लाइफ में। सो आई गेस इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव दीस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स वंस इन अ वाइल यूर इन देयर, ताकि अपने बारे में उनको और पता चल सके कि उनको किस किस एरिया में काम करना है और कहाँ पे कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। एंड मिसेस एल्यूर इंडिया की जर्नी स्टार्ट हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। मिस एंड मिसेस एल्यूर इंडिया ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने काफ़ी सारे वुमेन एम्पावरमेंट के थीम पर स्टार्ट किया था, ताकि अपने यंग फ्रेशर्स, मॉडल्स और डिज़ाइनर्स को टैलेंट शोकेस कर सके। ये प्लेटफॉर्म हम लोग ने 2015 में चालू किया था, सीज़न 1, विच वॉज स्टार्टेड इन पलघर डिस्ट्रिक्ट। फिर हम लोग ने ये ट्रेडमार्क शो में लेवल कन्वर्ट किया, नाउ इट्स अ ट्रेडमार्क मिस एंड मिसेज एल्योर इंडिया शो। और ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत काफ़ी स्पेक्टेकुलर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स शोकेस करते हैं। कि स्पा मतलब कैसे और बाकी स्पा एंड सैलून से अलग है? ये रिट्रीट है हेयर, स्किन एंड अरोमा थेरेपीज पे, तो हमारे यहाँ पे थेरेपिस्ट और स्टाइलिस्ट एक कस्टमाइज स्टाइल देते हैं एज पर द क्लाइंट्स के हिसाब से। दुरुषी जी, अभी जिस तरह से ब्यूटी पेशेंट है, तो कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट किया है आपने? लाइक वी हैव रिस्पेक्टेड जूरी मेम्बर्स, हमारे यहाँ पे कैप्टन निक निहारिका सिंह आ रही है, एंटरटेनर, यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर, और नम्रता प्रधान जी आ रही है, छतरी वाली फेम मराठी एक्ट्रेस, तो वो हमारी जूरी मेम्बर है। और एक है फराह कादर, शी इज़ द शो स्टॉपर फॉर द शो, जो अनसया ब्रांड का कलेक्शन शोकेस करने वाली है ये मंच पे। एंड आई गोन फॉर मिस नासिक, दैट टुडे आई अचीव मिस महाराष्ट्र एंड देन आई स्टूड फॉर एफबीबी मिस इंडिया टॉप 15 महाराष्ट्र फाइनलिस्ट। ऑल्सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कॉन्टेस्टेंट्स standing there. I hope you guys have a good time, and thank you Tanushree for having us here. Good evening ladies and gentlemen, and first I introduce to me, my name is Namrata Pradhan, and ye chhatri wale serial karte hain on Star Prabha, so please tumhe bagha maji pahlis malika hai. Oh!
बनने के लिए मैं आई हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MBBS है जो कि